नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। यहाँ हम और हमारी कुशल टीम आपको अवगत कराते हैं हर नई ज्योतिष गतिविधियों के बारे में एवं पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रो मित्रम को, जिससे हमसे पहुँचने वाली हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। हर कार्य में सिद्धि देने वाला श्री यंत्र एक अद्भुत यंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री यंत्र के दर्शन मात्र से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। श्री यंत्र का उल्लेख तंत्रराज, ललिता, सहस्त्रनामा, त्रिपुरोपनिषद आदि विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। महापुराणों में श्री यंत्र को देवी महालक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। महालक्ष्मी स्वयं कहती है कि श्री यंत्र मेरा प्राण, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा और मेरा स्वरूप है। श्री यंत्र के प्रभाव से ही मैं पृथ्वी लोक पर वास करती हूँ। श्री यंत्र को यंत्रराज, यंत्र शिरोमणि, षोडशी यंत्र और देवद्वार भी कहा गया है। ऋषि दत्तात्रेय और दुर्वासा ने श्री यंत्र को मोक्षदाता माना है। जैन शास्त्रों ने भी इस यंत्र की प्रशंसा की है। जिस तरह शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह देवता और उनके यंत्र भी एक दूसरे के पूरक हैं। यंत्र को देवता का शरीर और मंत्र को आत्मा कहते हैं। यंत्र और मंत्र दोनों की साधना उपासना मिलकर शीघ्र फल देती है। जिस तरह मंत्र की शक्ति उसके शब्दों में निहित होती है, उसी तरह यंत्र की शक्ति उसकी रेखाओं और बिंदुओं में होती है। मकान, दुकान आदि का निर्माण करते समय यदि उसकी नींव में प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र को स्थापित करें, तो वहां के निवासियों को श्री यंत्र की अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों का लाभ मिल सकता है। यह यंत्र मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धि और नौ निधियों की प्राप्ति हो सकती है। श्री यंत्र के पूजन से सभी रोग दूर होते हैं और शरीर की कांति निर्मल होती है। इसकी पूजा से शक्ति स्तंभन होता है और पंच तत्वों पर विजय प्राप्त होती है। श्री यंत्र की कृपा से मनुष्य को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र के पूजन से रुके हुए कार्य बनते हैं। इसकी श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से पूजा करने से दुख, दारिद्र का नाश होता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति पुष्ट होती है। इस यंत्र की पूजा से 10 महाविद्याओं की कृपा भी प्राप्त होती है। श्री यंत्र की साधना से आर्थिक उन्नति होती है और व्यापार में सफलता भी मिलती है। इस अद्भुत यंत्र को खास बनाता है माँ लक्ष्मी का साथ। एक सुंदर आख्यान है कि एक बार लक्ष्मी अप्रसन्न होकर बैकुंठ को चली गई। इससे पृथ्वी तल पर काफी समस्याएं पैदा हो गईं। ब्राह्मण और वणिक वर्ग बिना लक्ष्मी के दीनहीन असहाय से घूमने लगे। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने निश्चय किया कि वो लक्ष्मी को प्रसन्न कर धरती पर ले आएंगे। वशिष्ठ विष्णु की आराधना करने लगे और विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के दुखी हैं। हमारे आश्रम उजड़ गए हैं, चौपट हो गए हैं और जीवन की उमंग और उत्साह समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु वशिष्ठ को साथ लेकर लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी नहीं मानी और उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं किसी भी स्थिति में भूतल पर जाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर साधना और शुद्धि नहीं है। हताश होकर वशिष्ठ पुनः धरती पर लौट आए और लक्ष्मी के निर्णय से सबको अवगत कराया। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि अब एकमात्र श्रीयंत्र साधना ही बची है और यदि सिद्ध श्रीयंत्र बनाकर स्थापित किया जाए तो निश्चय ही लक्ष्मी जी को धरती पर आना होगा। बृहस्पति की बात से ऋषियों में हर्ष की लहर दौड़ गई और उन्होंने बृहस्पति के निर्देशानुसार धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त किया और दीपावली से 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्रीयंत्र को स्थापित कर विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते लक्ष्मी स्वयं वहां उपस्थित हो गई और बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा निहित है। इस कथा से ये भली भांति स्पष्ट है कि श्रीयंत्र अपने आप में लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय स्थान है और जहाँ ये यंत्र स्थापित होता है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। साधकों, ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों ने एक स्वर में यह स्वीकार किया है कि यह यंत्र अद्भुत धन प्रदायक यंत्र है। अन्य किसी भी प्रयोग या साधना से लक्ष्मी प्रसन्न हो या ना हो, परंतु श्रीयंत्र की स्थापना करने से निश्चय ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वह साधक को पूर्ण भौतिक सुख, सफलता और संपन्नता प्रदान करती है। श्रीयंत्र यदि मंत्र सिद्ध है तो इस पर अन्य किसी भी प्रकार का प्रयोग या उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वयं ही चैतन्य हो जाता है और जहाँ पर भी यह स्थापित होता है उसको अनुकूल फल और प्रभाव देने लग जाता है। जिस प्रकार अगरबत्ती किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं होती
वो जहाँ पर भी जलाई जाती है वहीं पर सुगंध बिखेरने लग जाती है। इसी प्रकार मंत्र सिद्ध चैतन्य श्री यंत्र जहाँ पर भी स्थापित होता है वहीं पर यह अनुकूल फल देने में समर्थ हो जाता है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो क्लिक ऑन पे जाके क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।